दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। लंदन के ओवल में खेले जा रहे फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। दूसरे दिन भारत ने 5 विकेट गवा दिए। कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा पवेलियन लौट गए। हालांकि पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने पैट कमिंग्स के कैप्टनसी वाली टीम ऑस्ट्रेलिया पर बॉल टैंपरिंग का आरोप लगाया है। बता दें कि इस पाकिस्तानी दिग्गज का कहना है कि विराट और पुजारा को आउट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बॉल टैंपरिंग की है। कौन है ये दिग्गज खिलाड़ी जिन्होंने इतनी बड़ी बात और इतना बड़ा आरोप लगाया है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम पर, ये आपको बताते हैं। और आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इस सभी पर चर्चा करेंगे हमारे इस वीडियो में। बता दें कि पाकिस्तान के लिए 19 टेस्ट और 50 वनडे खेलने वाले पूर्व बैटर बासित अली ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय पारी के 15वें ओवर के आसपास गेंद से छेड़छाड़ की शुरुआत की ताकि पुजारा और विराट कोहली को जल्द से जल्द पवेलियन भेजा जा सके, जहां पुजारा को कैमरून ग्रीन ने पारी के 14वें ओवर में क्लीन बोल्ड किया, तो वहीं विराट कोहली को मिचेल स्टार्क ने 19वें ओवर में स्लिप में कैच आउट कराया। इसी के साथ बासित ने कमेंटेटर्स और एम्पायर्स पर भी निशाना साधा। बासित ने कहा कि वो ये देखकर हैरान हो गए कि कोई भी ऑस्ट्रेलिया की प्लानिंग तक को नहीं देख सका, चाहे वो कमेंटेटर्स हो या मैच ऑफिशियल्स या भारतीय बैटर्स, कोई भी ऑस्ट्रेलियाई टैक्टिक्स को नहीं पकड़ सका। अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो में बासित कहते हैं कि कमेंट्री बॉक्स से लेकर एम्पायर्स तक, पहले मैं उन लोगों के लिए ताली बजाना चाहूंगा जो ये मैच देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने साफ तौर पर गेंद से छेड़छाड़ की और कोई इस बारे में बात तक नहीं कर रहा। बासित ने कहा कि किसी बल्लेबाज को हैरानी तक नहीं हुई कि मैदान पर क्या चल रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि गेंद छोड़ते हुए क्लीन बोल्ड होना। बासित कहते हैं कि मैं आपको सबूत भी दे सकता हूँ। ऑस्ट्रेलियाई पारी के 54th ओवर तक जब मोहम्मद शमी गेंदबाजी कर रहे थे तो गेंद की चमक बाहर की तरफ थी और गेंद स्टीव स्मिथ के लिए इन स्विंग हुई। इसे रिवर्स स्विंग नहीं कहते। रिवर्स स्विंग तब होता है जब गेंद की चमक अंदर की तरफ हो और गेंद इन स्विंग हो। बासित ने कहा कि भारतीय पारी का 16वें से 18वें ओवर पर बॉल टैंपरिंग का सबसे बड़ा सबूत है। भारतीय पारी के 18वें ओवर में एम्पायर रिचर्ड कैटलबोरो के निर्देश पर गेंद बदली गई। तब तक गेंद खराब हो गई थी। जब रिप्लेसमेंट बॉक्स आया तो नई गेंद ली गई। इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया की तरफ से छेड़छाड़ शुरू हो गई थी। बासित ने कहा कि आप 16वें, 17वें और 18वें ओवर को देखें जब विराट कोहली आउट हुए, उस गेंद की चमक देखिए। मिचेल स्टार्क के हाथों में गेंद और गेंद की चमक बाहर की तरफ थी, लेकिन गेंद विराट को अंदर आने की बजाय बाहर की तरफ की गई। बासित आगे कहते हैं कि जडेजा गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद पॉइंट के पास गई। क्या एम्पायर्स अंधे हो गए थे? ऊपर वाला जानता है कि जो लोग वहां मौजूद हैं और इतनी आसान चीजों को नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। पुजारा के विकेट को लेकर बासित ने कहा, कैमरून ग्रीन ने जो गेंद पुजारा को फेंकी उसमें चमक वाला हिस्सा पुजारा की ओर था और गेंद पुजारा को अंदर की तरफ आई और वो क्लीन बोल्ड हो गए। मैं आश्चर्य में हूँ कि बीसीसीआई इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, क्या उन्होंने इतनी बड़ी चीज को नोटिस नहीं किया? इसका मतलब है कि आपका फोकस क्रिकेट पर नहीं है। इसी के साथ दोस्तों बासित ने बीसीसीआई पर बड़ा निशाना साधा। बासित ने कहा कि बीसीसीआई बस खुश है कि भारतीय टीम फाइनल में पहुंच गई है। क्या 15-20 ओवर में ही गेंद रिवर्स स्विंग होने लगती है? जब पुजारा आउट हुए वो भी ड्यूक बॉल पर। मैं समझ सकता हूँ कि कुकाबुरा बॉल कुछ समय बाद पुरानी हो जाती है और रिवर्स स्विंग करने लगती है, लेकिन ड्यूक बॉल 40 ओवर तक पुरानी नहीं होती और इसके बाद रिवर्स स्विंग की उम्मीद कर सकते हैं। बता दें कि इन सभी के बीच ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन का एक वीडियो इतनी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि इस टॉपिक पर जो है चर्चा शुरू हो गई है, जिसमें मार्नस लाबुशेन कैप ब्रांड जो कि खुरदुरा होता है उससे गेंद को रगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्विटर पर ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया यूजर्स पूछ रहे हैं कि क्या क्रैप बैंड से गेंद को रगड़ने की इजाजत है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या इसके लिए एम्पायर की सहमति की जरूरत नहीं होती? तो दोस्तों ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है क्योंकि टीम इंडिया की जो स्थिति इस वक्त चल रही है वो काफी कमजोर नजर आ रही है और देखते हुए लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और यहाँ पर टीम इंडिया का खराब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर मार्नस लाबुशेन की गेंद से की गई छेड़छाड़ को लेकर अब चर्चाएं जो है तेज हो गई है। मार्नस लाबुशेन
सचिन की इस हरकत को लेकर आपका क्या कहना है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। साथ ही देखना होगा कि इस पर आखिर बीसीसीआई क्या कुछ एक्शन लेती है या क्या कुछ यहाँ पर एक्शन आगे देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, मानस लाबुशेन की इस गेंद के साथ की गई छेड़छाड़ को लेकर आपका क्या कहना है, साथ ही बास्ता ने जो भी बातें कही है इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें अपनी राय। क्योंकि जिस तरीके का फैंस के बीच में गुस्सा है टीम इंडिया के प्रदर्शन को देखते हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, तो ये जो खबर सामने आई है, ये जो बात सामने आई है, इस पर आपकी क्या राय है, जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में अपने जवाब जरूर शेयर करें।